हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बाजू में बने बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज मैं आपके साथ व्रत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैंने दो प्रकार से बनाया है, एक फ्राइड और दूसरा नॉन फ्राइड। आप इसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें एक कप फूल मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर फूल मखाने को ड्राई रोस्ट कर लें। अब रोस्टेड फूल मखाने को मिक्सर जार में डालेंगे और जार का ढक्कन बंद कर देंगे। फूल मखाने का बारीक पाउडर बनने तक पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फूल मखाने का पाउडर तैयार है। आधा कप हरा धनिया, आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, आधा कप कद्दूकस किया हुआ और उबला हुआ आलू, फूल मखाने का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालकर मिला लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च। अब इसे हाथ से अच्छे से मैश करके आटा गूंथ लेंगे। देखिए आटा गूंथ कर तैयार है। अब इस आटे से हम छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे। गोले बनाने से पहले फ्रेंड्स हाथ को घी से चिकना कर लें जिससे कि आटा हाथों पर चिपके नहीं और गोले आसानी से बनकर तैयार हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, सभी गोले इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लीजिए। फिर हम इसे फ्राइड और नॉन फ्राइड दोनों तरीके से बनाएंगे। आज की रेसिपी हम दो प्रकार से बना रहे हैं। फ्राइड बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई में घी को गर्म करेंगे। चलिए फ्रेंड, जब तक घी गर्म होकर तैयार होता है तब तक हम अपनी रेसिपी को नॉन फ्राइड बनाने के लिए अप्पे पैन को घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। अब हम कुछ बॉल्स को नॉन फ्राइड बनाने के लिए अप्पे पैन में लगाएंगे। अब हम पैन को ढककर 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएंगे। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे अप्पे पैन में रखे हुए बॉल्स अच्छे से सिक चुके हैं या नहीं। देखिए ये सुनहरी रंग के होने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद फिर से ढककर 2 मिनट पकाएंगे। फिर से 2 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने सुनहरी रंग की चारों तरफ से सिककर बॉल अच्छे से तैयार हो गई है। अब घी भी गर्म हो चुका है। बाकी की बॉल्स को हम तलकर डीप फ्राई कर लेंगे। झरन की सहायता से पलटकर हम इसे चारों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सुनहरे रंग की बॉल्स तैयार हुई हैं। तल लेने के बाद बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह वह बॉल है जो हमने अप्पे पैन में सिककर तैयार की थी और दूसरी प्रकार की जो हमने कढ़ाई में डीप फ्राई किया है। तो देखिए दोनों प्रकार से कितने आसानी से बनती है। अब हम इसे सर्व करने से पहले सर्विंग प्लेट में सेट कर लेंगे। सभी बॉल्स पर पहले से कद्दूकस किया हुआ खीरा डाल देंगे। अब व्रत में खाई जाने वाली कोकोनट और हरे धनिया की चटनी डालेंगे। कोकोनट और हरे धनिया की चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यह आपको मेरी वीडियोस में भी आसानी से मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फलाहारी पनीर मखाने बनकर तैयार हैं। यह बिल्कुल दिल्ली के स्ट्रीट फूड राम लड्डू की तरह बनते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।